घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 71,612 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 3,945 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 40,591 एक्टिव केस हैं। लगातार टेस्टिंग हमारी चल रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, ये एक सुखद पहलू है और इसका कारण सीधा सीधा वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन पर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रिकॉशन डोज भी जिन एलिजिबल सेगमेंट को लगना है वो भी ठीक ढंग से चल रहा है। शादियों की संख्या में सीमित संख्या की पाबंदी हटा दी गई है और हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है, बीमारी की तीव्रता या बीमारी की गंभीरता भी नहीं है, परंतु उसके साथ साथ हमारा सभी नागरिकों से यही अनुरोध है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें। सर, केसेस कम हो रहे हैं लेकिन कर्नाटक इधर से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आसपास के राज्य हैं, कुछ नए निर्देश या कुछ विशेष? नहीं, देखिए ऐसा कोई ऐसे नए निर्देश नहीं है। पहले के जिस प्रकार के जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं उसी तरह की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इस तरह से किसी नए तरीके के प्रतिबंध या नई रोक का ना विचार है, ना ऐसा कोई निर्णय लिया गया है। बस ये सुनिश्चित हम सबको जरूर करना है कि हम अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें, आर्थिक गतिविधियां ठीक ढंग से चलें, लोग रोजमर्रा की जिंदगी भी अपनी सुचारू रूप से चलाएं, पर उसके साथ साथ अपना बचाव भी करें। और उसके लिए जरूरी है कि मास्क भी लोग लगाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। अब देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता का नाम स्टार प्रचारक की सूची में तो है नहीं। अब वो स्वयं गए हैं, क्यों गए हैं ये वैसे उनका व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर यह बात भी, कहावत सही है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के, तांता बंटा ढार। 11 फरवरी से आज अब ये तो कांग्रेस का बहुत ही नितांत तो व्यक्तिगत मामला है, परंतु ये तो सुनिश्चित हो ही गया कि नवजोत सिंधु आखिरी 11 में भी स्थान नहीं बना पाए। और जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल गांधी और नेहरू परिवार ने बेवकूफ बनाया है, ये कांग्रेस की गुटीय और गिरोह की राजनीति को स्थापित करता है। परंतु ये भी सुनिश्चित है कि एक भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाना कांग्रेस की भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली मानसिकता का परिचायक है। अब ये प्रत्याशी किसी को भी बनाए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ही बनेगी। देखिए, हम सभी तरह की हर स्पेशलाइज सर्विसेज को मेडिकल कॉलेज में लेके आ रहे हैं और उसके लिए हमने पूरी विस्तृत कार्य योजना बनाई है। आज IVF बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और उसको लेकर भी हमने पूरी तरह से कार्य योजना बनाई है। जल्द से जल्द हमारी IVF यूनिट मेडिकल कॉलेजेस में शुरू होनी है। हमने किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम आगे आने वाले समय में सभी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब भी स्थापित करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है टर्शरी केयर का, उसको साधते हुए मध्य प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में हम सभी तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें।
भारतीय जनता पार्टी हर समय शुचिता की राजनीति को इस देश में लागू करने की पक्षधर रही है। हम सब कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे कार्यकर्ता हमारे समर्थकों से आर्थिक सहयोग लेते हुए हमारे आगे के कार्यक्रमों का निष्पादन करेंगे। ये सुनिश्चित है कि किसी भी संस्था के संचालन के लिए अर्थ की जरूरत होती है, परंतु आर्थिक सहयोग कैसे लिया जाए और उसकी शुचिता कैसे कायम की जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता से, यदि हमारे समर्थकों से या कार्यकर्ताओं से कोई आर्थिक सहयोग लेती है तो वो पब्लिक डोमेन में रहता है। और इसीलिए समर्पण निधि कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम शुचिता की राजनीति को और इस देश में ताकत देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए जो भी कार्यक्रम स्थापित करे वो जनता को पता रहना चाहिए। समर्पण निधि का कार्यक्रम हमारा देश की राजनीति में शुचिता और ताकत के साथ आगे आए, इसी का प्रयास है। ये मेरी बात फिर से हुई है, वो मशीन आ रही है, क्योंकि मशीन इंपोर्ट होती है इसीलिए उसमें समय लगा है, पर केंद्र सरकार हमें मशीन दे रही है। ये मेरी बात फिर से हुई है, वो मशीन